हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? सो पिछली वीडियो में आपको हमने 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट थे वो कंप्लीट करवाए थे। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। इससे पहले भी जो आपने सिंपल इक्वेशन है उसको सॉल्व किया था, अब जो इक्वेशंस है उसको भी आपने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इस इक्वेशंस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज किया गया है। आपका पिछली वीडियो के अंदर केवल इक्वेशन देकर उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके और डिवाइड या मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व किया था, बट अब जो इक्वेशन दी हुई है पहले हम उसको एक सिंपल इक्वेशन में ट्रांसलेट करेंगे, बदलेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद सेम वही मेथड यूज करना है जो पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो देखिए एक बार क्वेश्चन सेकंड, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट यहां पर दिया हुआ है 2 (x + 4) = 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन से। तो यहां पर 2x और 2 × 4 = 8 और यहां पर आपका आ गया 12, ठीक है, 12 हो गया। अब हमारे पास इसमें सेकंड मेथड, मैंने आपको ये बताया था कि आपको जैसे इसमें क्या है -8 जो है वो ऐड कर देंगे या इस पार्ट को उठाकर इधर करेंगे। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट दी साइन, ये आपने ट्रांसपोर्ट की साइन मीन्स यहां से इसको उधर ट्रांसफर कर दिया और 2x हो गया और ये 12 - 8, ओके। ये जो प्लस का है बराबर से इक्वल से जो ट्रांसफर होता है दूसरी तरफ तो वो साइन चेंज हो जाएगा। ये एक मेथड देखना है हमें, यदि कोई भी टर्म्स इक्वल से ट्रांसफर करके और अपनी साइड को चेंज करती है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो प्लस, ओके। और अब हम इसको, ये हमारे पास 2x = 4 हो गया और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहां पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, और यहां पर ये हो गया 2x को 2 से डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास ये बन गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको कंप्लीट है, क्लियर। अब इसी प्रकार इसमें सी पार्ट देखिए, इसी का सी पार्ट है, इसके अंदर दिया हुआ है 3n - 5 = -21। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसमें आप किस प्रकार से आप करेंगे इसको देखिए। मेथड इसमें सेम वही है, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3n और 3 × 5 = 15 और ये -21, ओके। अब यहां पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे दी साइन, तो यहां पर करेंगे 3n और ये -21 और ये रहेगा तो +15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +15 हो जाएगा और ये हमारे पास 3n = कितना हो गया 21 में से +15 तो -6 और n = -6 और डिवाइड में 3 - 2 तो यहां पर क्या हो जाएगा n = -, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 = 15, यहाँ बीच में माइनस का निशान, इसलिए माइनस का निशान आ गया। इस सवाल में यहाँ प्लस का निशान था इसलिए प्लस का निशान, ओके। अब उसके बाद ये -21 इधर ही, अब हम इस पार्ट को इधर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 15 इधर आ जाएगा,
16 है तो माइनस 6 हो गया और 3 से उसको डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड का भी डी पार्ट है वो आप देखिए, यहां माइनस 4 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2 प्लस एक्स और इक्वल टू 8। अब यहां माइनस का 4 है तो माइनस का 4 जब अंदर वाले लाइन को है यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा इन सभी में, प्रोडक्ट रूल क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस और प्लस इंटू माइनस, ये हमारे पास माइनस, ये जो है ये रूल इसको फॉलो करेगा। अब देखिए कैसे कि माइनस फिर ये इंटू का निशान हो गया यानी कि प्रोडक्ट का हो गया और ये टू प्लस का, माइनस इंटू प्लस ये आ गया तो माइनस का निशान हो गया माइनस 8 और इसको जो आप करेंगे कि माइनस 4x और ये प्लस के 8 हो, ठीक है। अब यहां से इधर ट्रांसफर करेंगे इसको, ट्रांसफॉर्म दी साइड, तो यहां पर माइनस 4x और ये हो गया 8 और जब ये गया तो प्लस का हो गया माइनस 4x और ये कितना हो गया 16, ये हो गया 16, x इक्वल टू कितना हो गया और माइनस का 4 तो ये माइनस, तो x की वैल्यू कितनी होगी माइनस 4। इसी में अगर डिवाइड भी इसी प्रकार से है, यदि दोनों संख्या नेगेटिव है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो संख्या पॉजिटिव हो जाएगी और दोनों संख्या में से एक संख्या नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो निशान उसका नेगेटिव ही होगा, निशान उसका नेगेटिव होगा, तो ये इस प्रकार से इसमें रूल फॉलो करना। अब नेक्स्ट क्या करना है आगे देखिए, ये क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड भी अप्रोक्सीमेटली सेम इसी प्रकार से देखिए, 4 इक्वल टू 5 इसका ए पार्ट है 5 और यहां पर ये p माइनस 2 दिया हुआ है तो सेम वही मेथड है, और यहां लिखेंगे 5 p और 5 हो गया 10 माइनस का, ट्रांसपोर्ट करेंगे इसको, ये पार्ट इधर आ जाएगा 4 प्लस 10 हो गया और ये 5 p हो गया, ये कितना हो गया 14 और ये 5 p और p इक्वल टू कितना हो गया 14 कौन, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपने इसको क्लियर, अगर थोड़ा सा डिफरेंट भी है तो देखिए सी पार्ट है ये देखिए, यहां 16 दिया हुआ है 4 और प्लस 3 और t प्लस 2 दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इधर ट्रांसफर करेंगे इसको, ठीक है, या पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं, जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास 16 आ गया 4 और ये 3 t और प्लस 3 हो जा 6, ठीक है। अब एक और भी है देखिए, ये 6 और 4 इनको ऐड कर देंगे 16 और ये 10 प्लस 3, ठीक है। आप फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, तो यहां पर 16 माइनस 10 इक्वल टू 3 टी और ये 6 इक्वल टू 3 टी और अब क्या हो जाएगा t इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो यहां पर t जो है वो आपका t इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका
क्वेश्चन। यहां पर यदि ये जीरो आ जाता है तो कोई नहीं इस पार्ट को धन उठा के इधर लेके इधर लेके जब ट्रांसफर करेंगे माइनस नहीं होगा जीरो, तो इसमें कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और अब क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि इक्वेशन स्टार्ट करनी है एक्स इक्वल टू 2 आना चाहिए, ये आना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है जो आपने अब इक्वेशन सॉल्व करी है उसका एक्स की वैल्यू आई है ना लास्ट में, यहां पर क्या करना है उस एक्स की जो वैल्यू आई है उससे आपने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 9, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एक्स इक्वल टू 8, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन हो गई, एक्स इक्वल टू 2 आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्ट और कर दें इसे, सब्ट्रैक्टिंग 6 ऑफ बोथ साइड तो 9x माइनस 6 इक्वल टू 18 माइनस 6, ठीक है। अब ये क्या करना है, ये आपका हो गया, तो ये कितना हो जाएगा अगर आप इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू कोई आएगी, ठीक है। ये इधर आएगा तो 6 में 6 कैंसिल हो गया और 9x को 18 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप एक इक्वेशन और भी लिख सकते हैं, ये जो है ये वाली इक्वेशन है, इससे भी इस इक्वेशन से भी x की वैल्यू 2 आएगी। कैसे, 6 इधर आ गया 12 में 6 ऐड कर देंगे कितना हो गया 18 और 9 से इसको तो या, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आपने इक्वेशन को बनाना है, इससे पहले जो इक्वेशन था उसमें आपने इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाली थी, एक्स इक्वल टू 2 आया था, एक्स इक्वल टू 4 आया था। अब यहां इसका बैक वापिस लेके जाना है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, इसका बी पार्ट दिया हुआ है, इसमें 3 एग्जांपल लिखनी है, इस प्रकार से 3 करना है, एक मैंने करवा दिया है और 2 आपने ओ कर लिया। अब जैसे एक्स से इक्वल दिया हुआ है -2, ये आना चाहिए, तो सेम हो गया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग पर्सनल नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।